प्यारे बच्चों, आदाब। दसवीं जमात के उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है ना? हाँ, खुशी की बात है। प्यारे बच्चों, COVID-19 की वजह से हम सब घर में हैं। साबुन से हाथ धोया करें। बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी रखें। बच्चों, हम सब सामाजिक दूरी रखें, लेकिन दिल से दूर न हो, दिल से दिल मिलाए। प्यारे बच्चों, दिल से दिल मिलाए। यह है हमारा पहला यूनिट, दिल से दिल मिलाए। ठीक है बच्चों, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए बच्चों। यह एक शहर की तस्वीर है। यहां बहुत लोग रहते हैं। बच्चों, यह तस्वीर में कौन है बताइए आप? बच्चों, तस्वीर और से देखिए, यह तस्वीर में कौन है? हाँ, आप बताइए। हाँ, लड़का है। बच्चों, यह तस्वीर में एक लड़का है। और क्या है, आप देखिए जरा। हाँ, ठीक है, कौवा है। यह तस्वीर में एक कौवा है। बच्चों, जरा आप देखिए, आप और क्या क्या देखते हैं? क्या? हाँ, बताइए बच्चों, बताइए। हाँ, इमारतें हैं। बच्चों, यह तस्वीर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। यह तस्वीर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े महल हैं। प्यारे बच्चों, आप और क्या देखते हैं? आप एक बार फिर देखिए, क्या है? हाँ, ठीक है, एक झोंपड़ी है। बच्चों, क्या है झोंपड़ी? आप देखा है ना झोंपड़ी, क्या है? हाँ, ठीक है, वो छोटा घर है। ये बड़ी बड़ी इमारत के पास छोटे छोटे झोंपड़ियाँ हैं। हाँ, ठीक है बच्चों, इस तस्वीर में झोंपड़ियाँ है, इस तस्वीर में झोंपड़ियाँ है। बच्चों, क्या है झोंपड़ी? आप बताइए। देखा है आप झोंपड़ी? देखा है, क्या है? हाँ, ठीक है, छोटे छोटे घर। प्यारे बच्चों, हमारे यह तस्वीर में यह बड़ी बड़ी इमारतों के साथ, बड़ी बड़ी इमारतों के साथ छोटे छोटे घर या झोंपड़ियाँ है। देखिए बच्चों, इस झोंपड़ी के पास एक लड़का है। ये छोटे घर के पास या झोंपड़ी के पास एक लड़का है। बच्चों, उसके हाथ में क्या है? हाँ, उसके हाथ में एक बर्तन है। प्यारे बच्चों, उसके हाथ के बर्तन में एक क्या है? एक बर्तन में एक रोटी थी। उसके बर्तन में एक रोटी थी। प्यारे बच्चों, उसके हाथ में क्या है?
उसके हाथ में एक बर्तन है। बच्चों उसके हाथ में एक बर्तन है, वो बर्तन में एक रोटी थी, उसके बर्तन में एक रोटी थी। क्या करें प्यारे बच्चों, क्या करें? वो रोटी कौवे ने छीन ली, वो रोटी कौवे ने छीन ली। ये सवाल देखिए आप बच्चों, ये तस्वीर के नीचे एक सवाल है, आप देखिए ये सवाल, ये बच्चा क्यों परेशान है? बच्चों ये बच्चा, ये तस्वीर के ये बच्चा क्यों परेशान है बताइए। बच्चों आप बताइए, ये बच्चा क्यों परेशान है? हाँ क्यों है बताइए। हाँ ठीक है, उसके रोटी कौवे ने छीन ली। हाँ ठीक है बच्चों, उसके रोटी किसी कौवे ने छीन ली। प्यारे बच्चों वो एक गरीब लड़का है, वो एक गरीब लड़का है, उसके बर्तन में वो एक गरीब लड़का है, उसके हाथ में एक बर्तन है, उसमें एक रोटी थी, ये रोटी किसी कौवे ने छीन ली, इसलिए ये बच्चा परेशान है। प्यारे बच्चों ये एक गरीब लड़का है, उसके हाथ में एक बर्तन है, उसमें एक रोटी थी, ये रोटी किसी कौवे ने छीन ली, इसलिए ये लड़का ये बच्चा परेशान है। प्यारे बच्चों खाना नहीं मिले तो इंसान की हालत क्या होगी? हमें खाना नहीं मिले तो इंसान की या हमारी हालत क्या होगी बताइए आप। हाँ क्या है? खाना नहीं मिले तो बहुत परेशान है। ठीक है, खाना नहीं मिले तो इंसान बहुत परेशान होंगे। ठीक है, हमारे समाज में प्यारे बच्चों, हमारे समाज में, हमारे दुनिया में, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं। आप देखा है ना, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे वतन में, दुनिया भर बहुत से गरीब लोग हैं। बच्चों ऐसे गरीब लोग कभी कभी हमारे बीच में भी होंगे, हमारे दोस्तों में भी होंगे। प्यारे बच्चों उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, उनको सहारा देना हमारा फर्ज है, गरीबों को मदद करना समाज का फर्ज है। अच्छा प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या क्या हैं? इंसान की बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स क्या क्या हैं आप बताइए बच्चों। हाँ आप बताइए, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात। हाँ खाना, हाँ और कपड़ा, अच्छा ठीक है शबाश, और हाँ मकान, खाना कपड़ा घर, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है या बेसिक नीड्स है। बच्चों ज़रा देखिए 0 पेज का एक शेर पढ़िए आप। हाँ क्या है? जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। क्या बच्चों आप बता सकते हैं उसका मतलब? जब जेब में, जेब क्या है, क्या हाँ पॉकेट, जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में
रोटी होती है, उस वक्त हर जर्रे हर चीज हमें कैसे लगते हैं, हीरे है, हर शबनम या बूंद हमें मोती लगती है। प्यारे बच्चों, जब इंसान के पास पैसा हो तो तब इंसान को, आदमी को खुशी मिलते हैं। जब इंसान के पास पैसा होता है उस वक्त तो वो दौलतमंद है। जब इंसान के पास पैसा होता है तब वो दौलतमंद है, वो दौलतमंद होता है। उसकी ज़िंदगी कैसे होगी? हाँ, बहुत खुशी होती है। इंसान के पास पैसा होती है तो वो खुशी होती है, उसे ये दुनिया से लुत्फ़ उठा सकते हैं। किसे? हाँ, ये पैसे वालों को, ये बड़े लोगों को ये दुनिया से लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर पेट में रोटी नहीं तो, अगर पेट में रोटी नहीं तो इंसान का हाल क्या होगा? वो हर वक्त दुख में है। हमारे आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे समाज में, हमारे वतन में ऐसे बहुत लोग हैं, उसको खुशी का मौका नहीं। किसको? ये गरीब लोगों को खुशी का मौका नहीं। वो हर वक्त खाने या रोटी की तलाश में है। आइए बच्चों, ऐसे गरीब लोगों के बारे में नज़ीर अकबराबादी की एक नज़म है, उसका नाम है सताती है मुफलिसी, यानी मुफलिसी सताती है। नज़ीर अकबराबादी उर्दू के एक मशहूर शायर है। यह सताती है मुफलिसी नज़म में शायर कौन है? शायर, हाँ, नज़ीर अकबराबादी। ऐसे गरीब लोगों के बारे में बहुत खूब बयान करते हैं। आइए बच्चों, ये सताती है मुफलिसी सबक हम पढ़े। देखिए, सताती है मुफलिसी। बेटे, तुम यही उस दुकान के पास रहो, मैं अपना काम पूरा करके अभी आई। तुम यही इस दुकान के पास रहो, मैं अपना काम पूरा करके अभी आई। लक्ष्मी अपने बेटे साजन को दुकान पर छोड़कर बाजार की सफाई में मसरूफ हो गई। बच्चों, लक्ष्मी का बेटा कौन है? हाँ, ठीक है, अच्छा, साजन। लक्ष्मी अपने बेटे साजन को दुकान पर छोड़कर बाजार की सफाई में मसरूफ हो गई। शहर में बड़ी चहल पहल थी, चारों तरफ शोर वाल मचा हुआ था। एक तरफ बड़े बड़े होटलों में आते जाते अमीर लोग, कैसे लोग? बड़े बड़े होटलों में आते जाते अमीर लोग। दूसरी तरफ जूठे खाने के लिए तरसने वाले भिखारी लोग। क्या है भिखारी लोग? हाँ, भीख मांगने वाला। वो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। बाजार के शिमाली हिस्से में, क्या है शिमाली हिस्सा? हाँ, नॉर्थ साइड। बाजार के शिमाली हिस्से में एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दे रही थी। उसके करीब कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। क्या है बच्चों? कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा। उसके करीब कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। वहाँ एक नन्ना मुन्ना बच्चा,
एक नन्ना मुन्ना, एक छोटा बच्चा भूख से भलक कर अपनी माँ से, अपनी अम्मी से रो रो कर खाना मांग रहा था। यह मंजर देखकर साजन का दिल दहल गया। इतने में एक भिखारी गीत गाते हुए वहां पहुंचा। आप एक बार पढ़िए जरा, यह सवाल देखिए, लक्ष्मी का बेटा कौन है बताइए। हाँ वो आप देखकर बताइए। हाँ साजन, ठीक है, अच्छा, लक्ष्मी का बेटा साजन है। बच्चों, लक्ष्मी अपने बेटे साजन को कहाँ छोड़कर गई? हाँ ठीक है, बाजार। अच्छा, लक्ष्मी अपने बेटे साजन को बाजार में छोड़कर, दुकान के पास छोड़कर शहर की सफाई के लिए मसरूफ गई। प्यारे बच्चों, साजन बाजार में क्या क्या देखे होंगे बताइए। आप जरा पढ़िए। हाँ ठीक है, शहर में बड़े बड़े होटल, हाँ एक तरफ बड़े बड़े होटल, होटल्स में आते जाते अमीर लोग, हाँ भिखारी लोग, ठीक है, दूसरी तरफ, एक तरफ क्या है, एक तरफ बड़े बड़े होटल में आते जाते बड़े अमीर लोग, दूसरी तरफ क्या है, झूठे खाने के लिए तरसने वाले भिखारी लोग। हाँ शहर के शिमाली हिस्से में, नॉर्थ साइड में क्या है, पुरानी टूटी फूटी इमारतें हैं। दूसरी तरफ शिमाली हिस्से में पुरानी टूटी फूटी इमारतें हैं। प्यारे बच्चों, ज़रा आप सताती है मुफलिसी नज़म देखिए, सुनिए। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पके आती है मुफलिसी, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के हान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तहान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं, जात और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी, दुनिया में लेके शाह से ए यारता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैम मुफलिसी की खराबी कहूँ नज़ीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। प्यारे बच्चों, आप सब ये सताती है मुफलिसी नज़म एक बार पढ़िए। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, मुफलिसी पर लिखी हुई ये नज़म तारन्नम से गाए। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी,
किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, 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 मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, 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 मुफलिसी। मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं, मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं, ज़ात और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं। यहाँ तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी, यहाँ तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी, 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 मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। दुनिया में लेके शाह से यारता फकीर, हालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। दुनिया में लेके शाह से यारता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नजीर, क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नजीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, 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 मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, 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 मुफलिसी। बच्चों, आप ये नज़्म
तरन्नम से गाकर अपने टीचर को भेजिए। आज का हमारा क्लास खत्म करता हूँ, इसका बाकी अगले क्लास में सुने। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।